तो देख रहे हैं आज हम लोग करने वाले हैं इसका माइलेज टेस्ट, और जो टंकी है वो हमने फुल करा दी है। रीडिंग मैं आपको अगर अभी दिखा देता हूँ तो वो रीडिंग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। और पिलियन मेरे साथ हैं मामा जी, तो एक पिलियन के साथ ये जो है टेस्ट होने वाला है। सब्सक्राइब कीजिए इंडी जेन्युइन ऑटो यूट्यूब चैनल को, बेल आइकॉन को दबाइए, ऑल को ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए हमारी फ्री यूजफुल वीडियोज मिस ना करने के लिए। तो ये देखिए मैं खोल के दिखा देता हूँ, टंकी एकदम फुल है। और यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है तो वो जो टोटल बाइक चली हुई है उससे हम लोग फिर बाद में माइनस कर लेंगे और ट्रिप मीटर भी चला देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी बाइक टोटल रन की है 1032 किलोमीटर्स। और फिर अब देखिए इसको चलाते हैं कुछ किलोमीटर्स, उसके बाद आपको जो है क्लियर आइडिया देंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हाईवे पे, और हाईवे पे चल रही है अपनी बाइक। इसकी स्पीड अभी आप देख रहे हैं तो इकोनॉमी में चल रही है 40, 45, 50, और इससे ज़्यादा हम ले जाने नहीं वाले हैं। अगर बहुत ज़्यादा जाएगी तो 85, 90 तक, उसके बाद लेकिन वो सिर्फ टॉप स्पीड टच करके नीचे आ जाएंगे। और पीछे मेरे एक पिलियन है तो उससे भी आपको जो है काफ़ी बेटर आइडिया लग जाएगा कि अगर पिलियन के साथ अच्छा माइलेज दे सकती है तो अकेले चलाएंगे तो और ज़्यादा बेहतरीन माइलेज देगी। तो नज़ारे कुछ आपके सामने हैं और गाँव की सड़क है। तो आज चलिए दोस्तों कुछ मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ। तो ये जो आपकी FGS है दोस्तों, ये एक अपने सेगमेंट में आने वाली काफ़ी अच्छी बाइक है। हालांकि जो पावर था इस बार BS6 में वो थोड़ा डाउन कर दिया गया है, पर यहाँ पे जो आपको पावर मिलती है वो तब भी आपको डिसेंट एनफ मिलती है। हेलमेट लगा के चल रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है, हेलमेट लगा के एक्चुअली चलना भी चाहिए। ये यहाँ पर आजकल जो है सब हेलमेट लगा के चलने लगे हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है समझदार हो रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई हेलमेट लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हेलमेट नहीं लगाएंगे तो काफ़ी समस्या हो सकती है। और ख़ासकर सेफ्टी का भी बहुत बड़ा इशू रहता है। कुछ लोग तो साइकिल से ही चलते हैं अपने, उनको हेलमेट की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे साइकिल का भी हेलमेट आता है पर क्या करेंगे, साइकिल का हेलमेट लगा के उनके लिए यही सही है कि बस ऐसे घूमते टहलते रहें और अपनी साइकिल चलाते रहें। अब हम बात कर रहे थे दोस्तों इसकी टूरिंग के हिसाब से, तो ये बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। अगर इसके कम्फर्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ज़्यादा एग्रेसिव राइडिंग स्टैंस नहीं मिलता है। जो आपका हैंडल बार है वो अपराइट हैंडल बार है, और अपराइट हैंडल बार होने की वजह से जो रीच है वो काफ़ी बेहतरीन है, और रीच ज़्यादा बेटर होने की वजह से जो है आप लॉन्ग टूरिंग भी इस पर कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि इसका जो राइडिंग फुटरेस्ट है, जो राइडर फुटरेस्ट है वो आपको थोड़ा एग्रेसिव मिल जाएगा, यानी एकदम फ्रंट साइड आप नहीं कह सकते हैं इसको, जैसा कि टूरिंग बाइक्स में होता है। और स्ट्रीट स्पोर्ट्स नेकेड बाइक है तो इसकी यही कैटेगरी है और यही इसका नेचर ही है, तो इसमें थोड़ा बहुत एग्रेसिवनेस कंपनी को ऐड करना भी ज़रूरी था। और हम पहुंच चुके हैं थोड़ी दूर, 4-5 किलोमीटर आगे एक बाज़ार है। बाज़ार में आप देख सकते हैं ज़्यादा रंगीन मौसम नहीं है यहाँ पे, बाज़ार खाली खाली सूनी सूनी बाज़ार, क्योंकि भाई चल रहा है पैंडेमिक का टाइम तो सब अपने घर में घुसे हुए हैं, काफ़ी अच्छी बात है। कुछ लोग हाईवे पे दिख रहे हैं आते जाते, कुछ क्या तब भी बहुत लोग दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सब लोग प्रिकॉशंस ले रहे होंगे, आई थिंक इसी वजह से टहल रहे हैं। ये भाई साहब चलते हुए हमसे निकल चुके हैं, और यहाँ पे चलिए अब थोड़ा स्पीड टेस्ट कर लेते हैं हम, और इसको बाइक को भगा के देखते हैं कि कितना भागती है, कितना क्या। ये भगाने लायक हाईवे तो है नहीं, पर फिर भी 75, 70, और ये थोड़ा टॉप स्पीड टेस्ट करना भी ज़रूरी था क्योंकि दोस्तों जो है टेस्ट करना है माइलेज। अगर मैं 60, 70 या 50 के नीचे ही टेस्ट करूँगा तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग हैं उनको लॉन्ग रन पर जाना रहता है। और 70-75 जो है इसका सॉफ्ट स्पॉट है, तो उसमें आपकी बाइक रहेगी तो बहुत अच्छा चलेगी। और 80 तक यह बाइक आराम से टच कर लेती है, 80 तक आप जो है इस पर आराम से क्रूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमने और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है स्पीड को, पर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आगे से टकराती हुई, तो हाईवे ये भगाने लायक नहीं है। वन वे में यही खतरा रहता है कि आप भगा नहीं सकते हैं भैया, अगर भगाने जाएंगे तो अगर कुछ इधर उधर हो गया तो भाई कोई बात नहीं, खैर अच्छी बातें करते हैं, अच्छी बात करें। सामने से एक और ट्रक आती हुई, अब ट्रकों का जो सिलसिला है वो छोटी छोटी हाईवे पे भी बढ़ गया है, क्योंकि अगर रोड अच्छी मिल जाती है तो ट्रक वाले बाईपास मार लेते हैं, बाईपास क्या शॉर्टकट मार लेते हैं, कहते हैं चलो भैया यहीं से चलते हैं, और हाईवे का बाईपास छोटी छोटी रोडों के थ्रू वो पहुँच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पर। और इस सड़क का जो है चौड़ीकरण भी किया गया है, आप देख सकते हैं साइड साइड में, तो इसको थोड़ा चौड़ा कर दिया गया है जिसकी वजह से अब थोड़ा और ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीलगाय भी आ जाती हैं, जो एरिया आपको साइड साइड में दिख रही है खेत मैदान,
वहाँ से दौड़ते दौड़ते आ जाते हैं कभी कभी, पर अभी तो दिख रहा है फ़िलहाल रातों में ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। लो स्पीड में चलाते हैं तो वहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो ओवरऑल ये बाइक का एक राइडिंग रिव्यू जो है हम अपने चैनल पे बहुत जल्द अपलोड करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको फ़ील कैसा होता है, पावर कैसी लगती है, क्या ये हाईवे टूरिंग के लिए एक बेटर बाइक है या नहीं, और इसको चलाने में आपको मज़ा आएगा या नहीं, यहाँ पे आपको क्या बेहतरीन मिलता है राइडिंग अगर क्वालिटी की बात करूँ, राइडिंग कंफर्ट की बात करूँ, और अगर इसमें आपको पावर देखेंगे तो पावर अगर इसके कॉम्पिटिटर से आप कंपेयर करेंगे तो उससे कम पावर मिलती है, तो फिर क्या आपको इसके लिए जाना चाहिए या फिर ज़्यादा पावरफुल मशीन के लिए जाना चाहिए, इंजन की रिलायबिलिटी कैसी है, तो सबके बारे में बात करेंगे। वैसे इंजन की बात करूँ तो इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और यामाहा का इंजन है, तो रिलायबिलिटी की उसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होती है कि वो रिलायबल ना हो, तो रिलायबल आपका इंजन बहुत ज़्यादा होने वाला है, लॉन्ग लाइफ इसकी होने वाली है और स्मूथनेस यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन मिल जाएगी। अब तो FGX दोस्तों लॉन्च कर दी है यामाहा ने, और उसमें जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो फुटपेग है वो रेयर सेट है, यानी थोड़ा एग्रेसिव है, उसमें जो फुटपेग दिया गया है अब वो फ्रंट सेट कर दिया गया है, तो आप उस पर खड़े होकर सैडलिंग भी कर सकते हैं जो कि इस पर आप नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, और उसकी जो हैंडल बार है थोड़ा और ज़्यादा अपराइट है, यानी आपको और ज़्यादा बेहतरीन राइडिंग स्टांस ये प्रोवाइड करेगा। तो हम शहर की सीमा में घुस चुके हैं और थोड़ी दूर थोड़ा बहुत ट्रैफिक रहेगी, वहाँ से पार हो गए डायरेक्ट ट्रैफिक के आगे। अब चलिए फाइनल कंक्लूजन की तरफ चलते हैं हम अपने। और फिर चेक करेंगे कि कितना ज़्यादा एवरेज इस बाइक ने दिया हुआ है, तो अभी कुछ किलोमीटर्स और रन कर लेते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं सनसेट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन, काफ़ी अच्छा। तो ये देखिए 12,053 किलोमीटर और यहाँ पे पहुँच चुके हैं पेट्रोल पंप पे। नाला भाई देखिए कितना जाए, ये कितना खाली रहा है। हाँ हाँ ठीक 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 काम होता है। देखा जितना रन उतना डलवाया। तो सर जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने जो बाइक को चलाया वो चलाया 21 किलोमीटर्स, और 21 किलोमीटर चलाने के बाद 0.44 लीटर उसके अंदर पेट्रोल आया है। ये जो पेट्रोल है दोस्तों, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ आपके सामने कैलकुलेट करता हूँ, तो इतना पेट्रोल लगा है, यानी जो आपकी बाइक है वो 1 लीटर में जो एवरेज देगी वो देगी तकरीबन 47.7 के आसपास। और ये जो है काफ़ी अच्छा माइलेज है, हमने हाईवे पे चलाया, थोड़ा ऑफ रोडिंग पैच भी था, मतलब थोड़ा ख़राब रास्ता भी था, तो ये समझ लीजिए कि ओवरऑल आपका 45 से 50 के बीच माइलेज आराम से देने वाली है। विथ पिलियन हमने 60 70 80 की स्पीड में भी चलाया, पर ज़्यादा हमने इकोनॉमी में ही इसको रन किया है, जैसे कि 50 60 उसी के बीच में रन किया, 65 ज़्यादा से ज़्यादा, और जब भगाया तो थोड़ा बहुत 80 85 तक भी टच किया, पर काफ़ी अच्छी काफ़ी डिसेंट माइलेज है। और इसकी एक रिव्यू वीडियो भी आपके सामने बहुत जल्द आने वाली है, जिसमें राइड रिव्यू मैं आपसे शेयर करूंगा। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।